हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हैवल्स कंपनी की ओर से आने वाला इंस्टेनो गीजर के बारे में, जिससे कि मैं लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। 6 मंथ बाद में इसका क्या कंडीशन है, क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा भी है कि नहीं, क्या मुझे इसके अंदर इशू देखने को मिला है, या फिर जो पानी वगैरह गर्म होता है उसको कितना टाइम लेता है गर्म होने में। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था अराउंड 2599 का। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये गीज़र कोई 3000-3500 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो सबसे पहली बात करते हैं गीज़र को परचेस करना क्यों चाहिए। तो ठंडी के टाइम पे गीज़र बहुत ही काम आता है, क्योंकि बार बार आप गैस पे पानी गर्म करते हो तो उसमें यार 15-20 मिनट चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है, और पानी को उठा के इधर उधर लेके भी जाना पड़ता है। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द लोग सजेस्ट करते हैं बाथरूम में गीज़र ही लगा दें, जिससे कि हमारा काम हो जाए और पानी वगैरह भी 2 मिनट में गर्म हो जाए, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो इसके लिए हम गीज़र को यूज़ करना पसंद करते हैं, जिससे कि टाइम का सेविंग भी होता है और कम हमारे गैस का बचत भी होता है। सो जैसे कि लास्ट 6 मंथ हो गया इसे यूज़ करते हुए, तो यूज़ कैसे करना ये मैं आपको बता देता हूँ। कनेक्शन तो बहुत ही सिंपल है, तो कनेक्शन का तो मैंने ऑलरेडी बताया हो, फिर भी मैं आपको बताया। तो आपके दो जो जो दो वाल रहेगी, एक में से पानी इसके अंदर जाएगा, दूसरे में से पानी इसके अंदर आएगा। इसके बाद में फिर आपका जो भी मिक्सर वगैरह लगा हुआ है, नल वगैरह लगा हुआ है, इसके अंदर कंसोल फिटिंग किया है। तो अंदर मेरा कंसोल फिटिंग है, तो अंदर की साइड से पानी वहाँ चल जाता है। बाद में फिर मैं मेरा लेफ्ट वाला चालू करता हूँ, तो गर्म वाला पानी आने लग जाता है मेरे मिक्सर से। और आपका ओपन फिटिंग रहेगा तो पाइप ऊपर से रहेगा, तो इस टाइप का एक कनेक्शन रहता है। और बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी कनेक्शन कर सकते हो। ये दोनों आपको बॉक्स के अंदर ही आएगी, ये गीजर भी जो कि आपको बॉक्स के अंदर, उसके पीछे एंगल रहेगा लोखंड का, वो स्क्रू करके लगाना है, इसको इसके ऊपर लटका देना, तो वो भी बॉक्स के अंदर आपको सभी चीज़ देखने को मिल जाते हैं। बस पाने आपको खुद के रहेंगे, और टेपलोन टेप भी आपका बॉक्स के अंदर आएगा, तो टेप को लगा के पूरा एकदम टाइट कर देना है कोई भी पकड़ वगैरह से। तो इस तरह कनेक्शन कर लेना। ये वायर आएगा, ये वाला 3 पिन वाला ये नहीं आएगा, तो ये जिस तरह 2 पिन कनेक्ट करते हैं, उस तरह ये वायर को, ये 3 पिन वाला आपको बाहर से परचेस कर लेना। डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं, 50 रुपये का, 30-40 रुपये का। तो इसमें आपको ये कनेक्ट करके इधर आपको अपने इसमें लगा लेना है। सो इस तरह आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है। इंस्टॉलेशन करना बहुत ही सिंपल है, रेड वाले से हमारा गर्म पानी आता है, ब्लू वाले से हमारा ठंडा पानी अंदर जाता है। कर लेते हैं आफ्टर 6 मंथ बाद में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि बॉक्स में मेंशन है इंस्टेंट आपका जो कि जो भी पानी रहेगा वो गर्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो ये आप मेरा ठंडी के टाइम पे हमारा पानी का टेम्परेचर जो कि और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जो कि माइनस में, मतलब माइनस में तो नहीं जाता है, पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी होता है, तो उस पानी को ये गर्म करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। जैसे कि आपका पानी, मतलब ठंडी के टाइम पर गाँव साइड एरिया में पानी एकदम फ्रीज जैसा पानी हो जाता है, एकदम ठंडा ठंडा, तो वो पानी आप इंस्टेंट जैसे कि इसे चालू किया और नीचे आपने टैप चालू किया, जैसे चालू करोगे वैसे ही आपका पानी 40 डिग्री तक ही गर्म होगा, 40-50 डिग्री तक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ठंडी के टाइम पे आपको है ना नहाने से 5 मिनट पहले बस इस गीजर को चालू कर देना है। तो आपका जो पानी, ये कनेक्शन तो आपको ओपन ही रखना है, पानी आपका आएगा जाएगा, ये कनेक्शन ओपन ही रखना है, इसे कभी भी वाल को बंद नहीं करना है। सो पानी आपका अंदर जो कि 3 लीटर की कैपेसिटी है, तो आपका गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में फिर आपको अपना नल चालू करना है, और आपको इधर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये अभी ब्लू है, ये रेड कलर में हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो पानी है वो पूरा गर्म हो चुका है। इसके बाद में आपको अपना है ना नल चालू कर लेना। नल चालू करते ही आपका इंस्टेंटली एकदम 90 डिग्री, 100 डिग्री में जो उबलता हुआ पानी रहता है वैसा पानी आपका निकलेगा, तो थोड़ा ठंडी के टाइम पे फास्ट गर्म हो जाएगा। और बाकी नॉर्मल टाइम पे जो कि जहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, जैसे मुंबई वाले सिटी में, वहाँ इतना ठंडी नहीं पड़ता है, पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता, फ्रीज जैसा नहीं होता है, तो वहाँ आपको है ना क्या बोलते हैं, तुरंत आप चालू करोगे, तुरंत आप जो कि है ना इधर नल चालू करके तुरंत आपके 70 डिग्री तक का पानी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पानी पहले से इतना ठंडा नहीं रहेगा, तो ये इंस्टेंटली गर्म कर देगा। 70 डिग्री बहुत ही ज़्यादा और बेहतरीन गर्म मतलब पानी होता है, तो इतने में भी लोग नहीं नहा पाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 50 या 60 डिग्री के पानी में मैक्सिमम नहा पाते थे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल 30-40 डिग्री पानी गर्म रहता है, इतने में ही नहाते हैं। तो इस तरह ये वर्क करता है। और ये जैसे कि है ना आप देख सकते हो लाइटिंग वगैरह एकदम प्रॉपरली वर्क करी, इंडिकेटर वगैरह प्रॉपरली वर्क करा, मुझे अभी तक कोई भी इसके अंदर इशू वगैरह देखने को नहीं मिला है। और इधर इन पाइप की बात करें, तो ये पाइप भी बहुत ही बेहतरीन और अच्छे क्वालिटी का, पूरे स्टेनलेस स्टील दिया गया है, तो ये कोई भी आयरन वगैरह का नहीं है, तो इसके अंदर मुझे देख सकते हो कोई भी जंग वगैरह भी नहीं पड़ा है। और इधर आप देख सकते हो जैसे कि मेरा रेड हो चुका है, रेड का मतलब होता है कि भाई इसके अंदर जो पानी है वो पूरा का पूरा गर्म हो चुका है। तो मैं अब इसका मतलब और ये है कि अब आपको ये पानी यूज़ करना है तो फटाक से भाई नल चालू कर दो, नहीं यूज़ करना है तो इस गीज़र को आप बंद कर दीजिए। बंद कर दोगे तो इसके अंदर जो पानी स्टोर है वो गर्म है, तो आप है ना बाद में नल चालू करके इसे निकाल सकते हो। तो मैं आपको जैसे कि चालू करके दिखा देता हूँ। तो इस साइड वाला मेरा कभी भी गीजर के लेफ्ट साइड वाला मिक्सर आपने लगाया है, इस साइड वाला जहाँ गीजर लगाया है वहाँ से गर्म पानी आता है, तो इसे मैं टर्न करता हूँ तो आपको धुआं भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं इसे टर्न करके चालू कर।
सो अब आपका अंदाजा हो गया रहेगा, एकदम गरम गरम पानी आपको देखने को मिल जाता है। ठंडी के टाइम पे बस 2 मिनट पहले चालू कर लेना है, तो आपका ज़्यादा ठंडा पानी है वो गर्म हो जाएगा। और नॉर्मल टाइम पे आप तुरंत चालू कीजिए, तुरंत अपना है ना गीजर का लेफ्ट साइड वाला जो भी जहाँ कनेक्शन है वो वाला अंदर चालू कर लीजिए, तुरंत आपका गर्म पानी 70-60 डिग्री तक का गर्म पानी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह ये वर्क करता है। सो सभी चीज़ें मैंने बता दिए, कुछ भी चीज़ और मोस्ट ऑफ द पीपल लोग को डाउट रहता है कि यार घर में कितने लीटर का है ना गीजर लगाना चाहिए। मुझे भी सबसे पहला जब मैंने परचेस किया था मुझे भी डाउट था, तो ये 3 लीटर के कैपेसिटी वाला आता है। आप सिंगल बाथरूम में 1 लीटर वाला भी लगाओगे तो भी कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसके अंदर इसका मतलब ये होता है इंस्टेंट वो गीजर आप लगा रहे हो, मतलब जो पानी तुरंत गर्म करता है वो वाला गीजर आप 1 लीटर वाला भी लगाइए तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको पैसे का बचत करना है, और आप सोच रहे हो कि 3 लीटर वाला लगाने के लिए, तो आप 3 लीटर वाला भी लगा सकते हो, क्योंकि ये सब पानी तुरंत गर्म करके देने वाले गीजर रहते हैं, तो जिसमें आपको है ना मतलब ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कैपेसिटी वाला। और आपके घर में मतलब एक लाइन में आपका मतलब होटल वगैरह एक लाइन में 10 बाथरूम में या फिर 5 बाथरूम में सभी में गर्म पानी चाहिए, तो वहाँ आपको बड़े बड़े जो गीजर 10 लीटर 15 लीटर 25 लीटर वाले लगा सकते हो, क्योंकि वहां सभी नल में सप्लाई करना रहता है गर्म पानी, तो इसकी वजह से वहां आपको बड़ा गीजर लगाना पड़ता है। पर सिंगल बाथरूम के लिए 3 लीटर 1 लीटर से भी काम चल जाता है। किचन वगैरह में 1 लीटर वाला आप लगा सकते हो जो तुरंत आपका पानी गर्म करके देगा। वो बजट ज्यादा है ये वाला हैवेल्स वाला, थोड़ा डिजाइन वगैरह में बेहतरीन है, सो ये वाला भी आप लगा सकते हो। ज्यादा इसका प्राइस नहीं, कुछ अराउंड 2500 के करीब ही है। सो सभी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी, कुछ भी चीज़ मैं भूल गया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 2599 का। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये गीजर कोई 3000-3500 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था तो उससे क्या आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो तो 6 मंथ में गीजर हो गए, कुछ भी बाथरूम की चीज़ें हो गई, अपडेट होते रहते, जो लेटेस्ट वाली रहेगी उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।